हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी के लिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड डायरेक्ट फैब्रिक पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी, वो बताते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिंपल प्लेन फैब्रिक पे अगर आपको चिकनकारी या कोई सी भी एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आप उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस पर चिकनकारी करने वाली हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ, सिंपल नेक पर ही हाईलाइट होगा। तो ये 2 मीटर फैब्रिक है, इसे ऐसा सीधा कर लें। आपको जिस भी मेजरमेंट से स्टिचिंग करनी है, आपका जो भी चेस्ट का साइज़ है या जो आपका हिप का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेज़रमेंट ले लें। तो मुझे एक्सल साइज़ की ये कुर्ती बनानी है, तो मैं इसका हिप यहाँ पर, हिप के अकॉर्डिंग जितनी चौड़ाई होगी, जितना मेरा हिप होगा उसके अकॉर्डिंग ले लूँगी। मुझे 46 मुझे हिप रखनी है, तो यहाँ 23 पे मैंने मार्क कर लिया है, 46 का हाफ 23 स्टिचिंग मैंने इसमें ऐड कर ली है। उसके अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे जहाँ पे मार्किंग की है, अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे इसका सेंटर निकालने के लिए। ये हमने यहाँ से पेंसिल को अंदर की साइड इंसर्ट करके बस एक हल्का सा मार्क करना है सेंटर के लिए, या आप इसको अगर ऐसे हल्का प्रेस कर देंगे तो भी सेंटर बहुत अच्छे से आपका लाइन जैसा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये मार्क किया था, और ये देखिए इसके सामने ही यहाँ लाइन प्रेस करने से लाइन क्रिएट हो गई है, यहाँ पर सेंटर है। यहाँ से हमें जो भी नेक रखना है, मैं यहाँ पर 3 इंचेस मार्किंग के सेंटर के 3 इंचेस इधर और 3 इंचेस इधर मार्क कर रही हूँ नेक के लिए। नेक हमें राउंड रखना है, नेक की जो लेंथ है वो हम 6 इंचेस रख रहे हैं, इसे हम पहले राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, परफेक्ट राउंड शेप आप जो नेक के लिए बनाते हैं ऐसा। ये देखिए ये राउंड शेप हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें नेक पे एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी आपको एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग करनी है। मैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से करूँगी। ये हमारा नेक है, ये मैं रफली आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं अभी फाइनली आपको ड्रॉ करके फैब्रिक पे दिखाऊंगी। कुछ इस तरह से मुझे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्टली बने हमारा डायरेक्ट फैब्रिक पे, उसके लिए मैं ये कैप यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से जो हमने मार्किंग की है इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए डिस्टेंस, 1/2 इंच की डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। कैप को ऐसे रखेंगे और हाफ कैप तक, पूरे कैप की राउंड नहीं लेनी, हाफ कैप तक ऐसे करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है। इसी कैप का यूज़ करते हुए हम ऐसे मार्क करते जाएंगे, नेक से 1/2 इंच की डिस्टेंस पे ही कैप को रखेंगे ऐसे। ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये मार्किंग होते जा रही है। ये देखिए हम यहाँ सेंटर पर आ गए हैं, ये सेंटर है हमारा। सेंटर से ये हमें यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैप को ले लेना है टर्न करके, ये देखिए 1/2 कैप से एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से अगेन हम नीचे की साइड में आ जाएंगे, हमें नीचे भी बनानी है ऐसे। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, आपको बिल्कुल इसे ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से
हमें जितनी लेंथ तक बनानी है एम्ब्रॉयडरी उतनी लेंथ तक हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। मुझे यहीं तक बनानी है, मैं इसे यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके बाद मुझे ये यहाँ से, तो यहाँ थोड़ा सा हमें खुद ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा इसे लंबाई में निकालना है और देन अगेन इस साइड ले लेना है। और यहाँ जैसे हम कैप रखते थे वैसे ही कैप रख के हमें थोड़ी डिस्टेंस पे बीच से ऐसे ड्रॉ करना है। अगेन जैसे हम उधर से ड्रॉ करते हुए आए ये पूरे नेक में हम वैसे ही ड्रॉ करें। ये देखिए ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। हमें इसमें डबल लाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेते हुए हम यहाँ ऐसे पूरे में डबल लाइनिंग कर लेंगे। क्योंकि मुझे चिकनकारी करनी है तो इसलिए मैं यहाँ डबल लाइनिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये मैं अपोजिट साइड में डिज़ाइनिंग ये वाली मैंने ड्रॉ की है क्योंकि मुझे फ्रंट में चिकनकारी चाहिए। जैसा आपको मैंने और भी वीडियोस में बताए हैं चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी करने का पैटर्न अपोजिट से ड्रॉ करने का, ये वही है, अपोजिट में मैंने इसे ड्रॉ की है। यहाँ से ये थोड़ा सा पास में कर लेंगे क्योंकि यहाँ दोनों साइड में हमें ड्रॉ करना है ऐसे। ये देखिए कुछ ये इस तरह से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा जहाँ सेंटर में हम बीड्स का यूज़ करेंगे। देखिए कितनी आसानी से चिकनकारी करने के लिए पैटर्न ड्रॉ हो गया। आप अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। मैं आपको थोड़ा सा बनाकर बताती हूँ, मुझे बाकी की डिज़ाइनिंग जो है वो बैक साइड में बनानी है क्योंकि ये मेरा बैक है और फ्रंट साइड में मुझे डिज़ाइनिंग बनानी होगी ये चिकनकारी करने के बाद में। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो इसमें मैं एक छोटा सर्कल लूँगी और यहाँ पर ऐसे मुझे 5 लाइनिंग्स करनी है। इस सर्कल्स पे सीक्विन ऐड करेंगे और इन लाइंस पर पर्ल्स ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल फ्री हैंड होने वाला है। अगर मैं इसे ड्रॉ फ्रंट में नहीं भी करूं तो भी मैं इसे बहुत ही आसानी से डायरेक्ट यहाँ सीक्विन रख के और यहाँ पर्ल यूज करके बना सकती हूँ। ये कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। साथ ही में ये जो सर्कल स्पेस है यहाँ पर भी मैं सिंगल सिंगल सीक्वेंसेस ऐड करूँगी। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये वाली जो डिज़ाइन है ये हमने बैक साइड में बनाई है और ये वाली डिज़ाइन फ्रंट साइड में हम फ्री हैंड बिना ड्रॉ किए क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ बीड्स और सीक्विन ऐड करनी है। तो ये सब फ्रंट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी एक बड़ी बीड्स हम इस तरह से ऐड करेंगे इसमें। ये सारा हमारा फ्रंट साइड में होगा, सिर्फ हमारी ये जो चिकनकारी है ये हम बैक साइड से करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तो आर्म होल के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे शोल्डर हम लेंगे, ये शोल्डर रहेगा हमारा। मैं आपको एक बस हल्का सा ड्रॉ करके मैं आपको शेप दिखा रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोटल एम्ब्रॉयडरी दिखाऊँगी। ये आर्म होल का शेप आएगा, ये हमारा शोल्डर है। तो इस शोल्डर के अंडर में हम इस तरह से छोटी छोटी सी बूटीज डालेंगे, फ्री हैंड बूटीज हैं। एक सिक्विन लगाएंगे और यहाँ एम्ब्रॉयडरी देंगे।
विदाउट एनी पैटर्न कहीं पर भी इसे हम बना सकते हैं। सिर्फ ये शोल्डर के रेंज में ही बनाएंगे। एक साइड में मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। और जिस रेंज तक हमारा नेक बना हुआ है सिर्फ उसी रेंज तक हम बनाएंगे। इस तरह से हम इस साइड भी विदाउट एनी पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। इस साइड भी छोटी छोटी बूटीज बनाई हैं। एक सिक्विन और एम्ब्रॉयडरी भी होगी इसमें। और ये पूरा पैटर्न कितने ब्यूटीफुली सिंपली आप डायरेक्ट फैब्रिक पर बिना किसी ड्रेसिंग का आप इस तरह से अपने पसंद की कोई भी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज़ करके। तो इस कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करने वाली हूँ। अभी सिर्फ मैंने आपको कुर्ती पे पैटर्न ड्रॉ करना बताया। तो आपको मेरा ये पैटर्न ड्रॉ करने का तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइनर वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। पहले भी बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आगे इससे भी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर वीडियो मिलने वाले हैं आपको। और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एम्ब्रॉयडर्ड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।